देश और दुनिया की दिन भर की नौ बड़ी हेडलाइंस लेकर नौ रिपोर्टर फिर हाजिर होंगे कल रात 9 बजे। लेकिन अब बात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की जान के दुश्मन की ब्रेकिंग न्यूज में। खबर सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज में। अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी खबर, इंडिया टीवी पहुंच गया अंडरवर्ल्ड के नए डॉन तक। पहली बार टीवी पर आ रहा है वो शख्स जिसके निशाने पर है दाऊद की खोपड़ी। इंडिया टीवी रिपोर्टर विवेक अग्रवाल बैंकॉक के गुप्त फ्लैट पर पहुंच गए जहां रहता है दाऊद का दुश्मन। पहली बार अंडरवर्ल्ड आपके सामने आने जा रही है जो आपने आज तक न देखी न सुनी होगी। दाऊद के दुश्मन ने अपना चेहरा न दिखाने की शर्त रखी। ये शर्त मंजूर होते ही उसने अपने मिशन दाऊद का पूरा राज खोल दिया। पहली बार आज एक डॉन कैमरे पर बोलेगा। अंडरवर्ल्ड के खूनी खेल का राज खुद डॉन की जुबानी सुनिए। कौन है ये डॉन और क्या चाहता है और क्या कर रहा है? ये सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं मुंबई से हमारे संवाददाता विवेक अग्रवाल। विवेक स्वागत है आपका। इन्होंने ये पूरा इंटरव्यू शूट किया है तो अब बिना देर किए हम आपको दिखाते हैं पूरी खबर। यह है अंडरवर्ल्ड के दाऊद का सबसे नया और खौफनाक दुश्मन। नाम संतोष शेट्टी, उम्र 48 साल, ठिकाना बैंकॉक का एक गुप्त फ्लैट। संतोष शेट्टी दुनिया को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता मगर इसका मकसद जाहिर हो चुका है। संतोष शेट्टी दुनिया के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम की खोपड़ी उड़ाकर खुद सबसे बड़ा डॉन बनना चाहता है। संतोष शेट्टी बैंकॉक के गुप्त ठिकाने में रहता है, यहीं से वो मुंबई में अंडरवर्ल्ड का नेटवर्क चला रहा है। इंडिया टीवी रिपोर्टर विवेक अग्रवाल इस गुप्त ठिकाने तक पहुंचने में कामयाब हो गए और फिर दाऊद के दुश्मन ने अपने मिशन दाऊद का एक एक राज खोला। सबसे बड़ा सवाल, संतोष शेट्टी दाऊद के खून का प्यासा क्यों बन गया है? तो देखिए ये तस्वीर, ये मुंबई में 1993 में हुए सीरियल बम धमाकों की तस्वीरें हैं। मुंबई के इन्हीं सीरियल बम धमाकों ने संतोष शेट्टी को पहले गैंगस्टर बनाया और फिर दुनिया के सबसे खतरनाक मुजरिम दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ मुझे कभी भी जरूरत पड़ी ही नहीं थी कि मैं अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ जाऊँ या वो किसी किस्म की गिरोह के साथ जुड़ जाऊँ। मेरी इनके साथ जुड़ने की सिर्फ एक ही वजह थी, जो 93 में बंगलास्ट हुए उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये इंडिपेंडेंटली ऐसी फोर्स खड़ी कर सकते हैं जो इसका टक्कर दे सकते हैं। संतोष शेट्टी के सीने में 1993 बम ब्लास्ट का बदला लेने की आग जल रही थी। संतोष के निशाने पर था दाऊद मगर दाऊद को खत्म करना इतना आसान नहीं था, लिहाजा संतोष शेट्टी ने दाऊद के दुश्मन छोटा राजन से हाथ मिलाया। मगर जब संतोष के मुताबिक छोटा राजन ने इसे पैसे कमाने का धंधा बना लिया तो उसे छोटा राजन से अलग होना पड़ा। ये मैंने पहले भी कई बार कहा है और आज भी फिर से कहूंगा कि मेरा जुड़ने की वजह सिर्फ एक ही थी कि मुझे उनके अंदर कोई ऐसा जज्बा नजर आया कि ये देश के लिए कुछ कर जाना चाहते थे। कुछ ऐसे लोग जो हमारे देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं उसके खिलाफ ये एक फोर्स या एक गुट बना करके उसको यूज करके देश की खातिर कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो अपना जो ओरिजिनल मकसद है उस मकसद को भूल करके बिल्कुल कमर्शियल बन गए। सिर्फ पैसे कमाना और अपना घर बनना जो है ये इनका मकसद रह गया है। 2006 में छोटा राजन से अलग होने के बाद संतोष ने दाऊद के लोगों को अपना निशाना बनाना शुरू किया।
संतोष ने सबसे पहले सफाया किया जमीन शाह का। जमीन शाह दाऊद गिरोह की नेपाल फ्रंट संभालता था। सुनिए कैसे संतोष शेट्टी जमीन शाह के सफाई की बात कर रहा है। जमीन शाह के बारे में तो मीडिया से काफी चर्चित है और सबको पता है कि नकली इंडियन करेंसी नोट के काम करता था। मतलब आई सही का ऑपरेटिव था जो नेपाल बेस था, नेपाल से बेस होकर के काम कर रहा था और वहां से जो है घुसपैठ जो है घुसपैठ को सपोर्ट करता था आई सही के लिए ताकि ये लोग इंडिया आए और इंडिया करके अपनी टेबल ऑपरेशन को हैंडल कर सके। इसके बाद संतोष शेट्टी ने 100 से ज्यादा आतंकवादियों का केस लड़ने वाले वकील शाहिद आजमी को खत्म किया। शाहिद आजमी ने 100 से ऊपर केसेस ऐसे लिए थे जो सब टेरर रिलेटेड आउटफिट्स या इंडिविजुअल से कनेक्टेड थे, जुड़े हुए थे। अगर उसने कुछ लोगों के लिए अगर स्टैंड दिया होता तो मैं फिर भी उसका समर्थन करता क्योंकि मैं मानता हूं कि एजेंसी कभी कभी कुछ ज्यादा कर जाते हैं, लेकिन 100 से ऊपर केसेस जो होते हैं वो कोई एक्सप्लेनेशन के बाहर है। ये इंसान क्यों हर टेररिस्ट के लिए खड़ा रहता था, ये सबसे बड़ी वजह थी। सुना आपने, संतोष शेट्टी साफ साफ कह रहा है कि वो देश में आतंक मचाने वालों और उन्हें शह देने वालों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या अगला नंबर दाऊद का है। संतोष शेट्टी का कहना है कि अगर वो दाऊद का सफाया करेगा तो देश के लिए। संतोष शेट्टी अपने एक एक जुर्म को देश प्रेम के नाम पर सही ठहराने की कोशिश कर रहा है, मगर क्या ये गैंगस्टर का देश प्रेम है या फिर अंडरवर्ल्ड में अपना सिक्का जमाने की एक और जंग। देश प्रेमी बनाम देशद्रोही माफिया संगठनों का युग आ गया लगता है। पहले छोटा राजन ने कहा कि वह देशभक्त है और उसने 93 बम कांड के 12 आरोपियों की हत्याएं करवाई। जब गुरु साटम, बंटी पांडे, भरत नेपाली अलग हुए तो उन्होंने भी यही चोला पहनने की कोशिश की। अब संतोष शेट्टी राष्ट्रभक्ति का राग अलाप रहा है। विवेक अग्रवाल, इंडिया टीवी, मुंबई। कहता है कि मैं, हाँ मैं मानता हूं मैंने खून किया, मेरे हाथ खून से सने हैं, लेकिन ये सब देश के नाम पर है और ये सब जायज है। खैर, जिस देश के लिए कह रहे हैं उस देश में ये कानूनन गलत है। अब सवाल उठता है कि आखिर संतोष शेट्टी है कौन। अब ये भी हम आपको दिखाएंगे, विवेक से बात करेंगे ब्रेक के बाद। दाऊद को मारने की धमकी देने वाला संतोष शेट्टी कौन है? मुंबई के अंडरवर्ल्ड में यह नया डॉन कैसे पैदा हुआ जिसने सीधे दाऊद को ही अपने निशाने पर ले लिया? देखिए एक आम नौजवान के डॉन बनने की पूरी कहानी। खुद को नॉकआउट के संजय दत्त से मिलता जुलता कैरेक्टर बताने वाला संतोष शेट्टी एकदम अलग किस्म का डॉन है। साल का संतोष शेट्टी अंग्रेजी, फ्रेंच और पंजाबी समेत 15 भाषाओं का जानकार है। शेट्टी हमेशा आधुनिक तकनीक से लैस रहता है। लैपटॉप, सेलफोन, वीओआईपी के साथ चलने वाला संतोष हैकिंग का मास्टर है। संतोष का प्लान है कि वो स्विस बैंक में जमा अरबों का काला पैसा हैकिंग के जरिए हिंदुस्तान ले आए। संतोष शेट्टी मुंबई के एक बड़े घराने में जन्मा, मगर 1993 के बम ब्लास्ट ने उसके दिल में दाऊद जैसे आतंकवादियों के खिलाफ नफरत पैदा कर दी। इसी नफरत ने संतोष शेट्टी को अंडरवर्ल्ड का रास्ता दिखाया। संतोष छोटा राजन गिरोह में शामिल हुआ। संतोष ने छोटा राजन के लिए सोने की तस्करी से लेकर मर्डर तक किए। विवेक अग्रवाल, जिन संवाददाता ने हमारे संतोष शेट्टी का इंटरव्यू किया इस वक्त हमारे साथ है। विवेक, सबसे पहली चीज तो अगर ये संतोष शेट्टी इतना बड़ा देशभक्त है तो इस देश की राजनीति में आए, पुलिस में जाए, गैंगस्टर बनने की क्या जरूरत है? यही सवाल, ठीक यही सवाल मैंने भी इसी
अंडरवर्ल्ड डॉन से किया था, तो उसने कहा कि जिस तरीके से हिंदुस्तान की राजनीति काम करती है, जिस तरह से यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस काम करती है और उसके नतीजे आपके सामने हैं, उसने तमाम वो उदाहरण दिए कि किस किस तरह से स्कैम्स हुए हैं, किस तरह से बड़े बड़े आरोपी छूटते रहे हैं और जेलों में अय्याशियां करते हैं आरोपी, तो उसने कहा कि उन्हें सजा देने का एकमात्र रास्ता यही बचा है और गोली का जवाब गोली भी हो सकता है। निशांत चीज विवेक, यहां पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है और वो ये है कि अंडरवर्ल्ड में जुमला बड़ा मशहूर है, वो ये है कि अगर अपने आप को पॉपुलर करना है तो बोलो दाऊद मेरे निशाने पर है, यहां पर कुछ ऐसा नहीं लगता आपको? ये सवाल भी हमने उससे किया था और उसका यही कहना था कि अब सिर्फ दाऊद मेरे निशाने पर नहीं है बल्कि आईएसआई जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और साथ ही साथ में छोटा राजन का गिरोह भी मेरे निशाने पर है। उसका यह कहना था कि ये तमाम के तमाम लोग देश का नुकसान कर रहे हैं, इसलिए मैं इनके खिलाफ बंदूक उठाने खड़ा हूं। मैंने कहा कि आप इसमें सफल कैसे हो पाएंगे? उसके जवाब में संतोष शेट्टी ने साफ तौर पर यह कहा कि उसके साथ ऐसे लोगों की टीम है जो कि बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके और उसे एग्जीक्यूट करती है। निशांत, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जो चीजें बता रहे हैं उससे हमें हैरानी नहीं होगी अगर संतोष शेट्टी ये कहे कि मेरे निशाने पर तालिबान है, अलकायदा है। खैर, आप जब इसके फ्लैट में गए तो आपने क्या क्या देखा, ये भी जानेंगे आपसे एक ब्रेक के बाद। इस बात का इल्म आपको होना चाहिए कि डॉन के गढ़ में घुसकर उसका इंटरव्यू लेकर आए हमारे संवाददाता विवेक अग्रवाल और वो डॉन कहता है कि मैं दाऊद को मारूंगा, नाम शेट्टी। विवेक, आप जब वहां पर गए क्या कुछ देखा आपने, खासकर ये देखते हुए कि एक बड़ा ही खौफनाक लम्हा रहा होगा, एक डॉन का आप इंटरव्यू कर रहे हैं, खतरनाक आदमी है, डर तो लग ही रहा होगा। देखिए, जिस व्यक्ति से मुझे मिलना था मेरे मन में उसकी जो छवि थी वो बिल्कुल ही अलग थी, लेकिन जब मैं उसके सामने पहुंचा तो मैं देख करके दंग रह गया। वो बहुत ही आम, बहुत ही खूबसूरत सा दिखने वाला एक ऐसा नौजवान था जो बिल्कुल भी एक खूंखार आतंकवादी या डॉन या इस तरह किसी छवि से मेल नहीं खाता था। वो एक बिजनेस टाइकून जैसा दिखाई देता था। उसके घर में आराम के तमाम ऐशो आराम के जितने भी साधन हो सकते हैं वो थे। वो अपने मोबाइल फोन, अपने लैपटॉप, इन तमाम चीजों के साथ में अपने बाकी तमाम लोगों के साथ जुड़ा रहता है और ये सब चीजें मैंने जब देखी तो मैं काफी हैरान हुआ जी, था। जी, जी। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया और वाकई में एक काबिले तारीफ ये इंटरव्यू है आपका। लेकिन काहे का डॉन, सोचिए हमारे संवाददाता कहते हैं कि बहुत ही अच्छा दिखने वाला एक बिजनेस टाइकून दिखने वाला आदमी हमसे बात करता है और चेहरा छुपा लेता है। कैसी देशभक्ति जब चेहरा छुपाने पर आपको मजबूर होना पड़े। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.indianews.com। धरती पर दो रहस्यमय दुनिया, देखिए बात।